वेलकम ऑल ऑफ यू इन SST कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स. दिस इज SST एडुपीडिया एंड माई सेल्फ मिसेस वैजयंती पाटिल, असिस्टेंट टीचर. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी अ न्यू पोयम ऑफ 12th स्टैंडर्ड आर्ट्स कॉमर्स साइंस सब्जेक्ट इंग्लिश, दैट इज स्मॉल टाउन्स एंड रिवर. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर पोयम वी आर गोइंग टू स्टडी. This poem is divided into 7 stanzas. So first 3 stanzas we will study in this first part, and then we will study the remaining poem in the next part. So small towns and river, this is the poem, is written by Mamang Dai. Before going to study this poem, we will see in brief about our poet or poetess, that is Mamang Dai. Mamang Dai is a modern poet from the northeast region of India. She was born in Adi tribal community of Arunachal Pradesh. She is an environmentalist and is vocal about conservation of nature. Mamang Dai ek northeast region of India ki ek modern poet hai. वो उनका जन्म जो था वो अदि ट्राइबल में हुआ था, अदि ट्राइब में हुआ था. तो उन्होंने जो भी लिटरेचर लिखा है या वर्क लिखे हैं वो अदि लैंग्वेज एज वेल एज इंग्लिश में लिखे हैं. इन्होंने बायोडाइवर्सिटी के लिए और एनवायरमेंटल के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. सी हैज़ डिपिक्टेड द ट्राइबल लाइफ विथ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर. उन्होंने उनके वर्क में ट्राइबल लाइफ के बारे में, उनके जो एक्सपीरियंसेस है और उनके जो बिलीव्स है, इनके बारे में उनके राइटिंग्स में डिपिक्शन दिया है, डिस्क्रिप्शन दिया है. द इशूज़ लाइक ग्रोविंग पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड सफरिंग ऑफ द कॉमन पीपल ड्यू टू इंसर्जेंसी आर एक्सप्रेशंस फाउंड इन हर पोएम. एक नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो बर्निंग इशू है इंसर्जेंसी का, इंसर्जेंसी मीन्स रिबेलियस एक्ट्स, ये ऐसी कंडीशन है जिसमें नेटिव पीपल एज वेल एज जो रिबेलियस पीपल है वो गवर्नमेंट का अगेंस्ट रिवोल्यूशन करते हैं, एज वेल एज कोई जो माइग्रेंट्स पीपल भी है उनके बीच में और नेटिव पीपल में भी बहुत बार डिस्प्यूट्स हमें नज़र आता है. और ये जो इनको जो बैड इम्पैक्ट्स है ये Mamang Dai के लिटरेचर में हमें देखने को मिलते हैं. द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया हैज़ बीन अ साइट ऑफ पॉलिटिकल टेंशन ऑल द टाइम. इनके रीजन में बहुत सारी पॉलिटिकल टेंशन्स होती है, बहुत सारे रिवोल्यूशन्स होते हैं और उनका जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वो हमें उस नेटिव पीपल के लाइफ में दिखाई देता है. पॉलिटिकल टेंशन्स एग्जिस्ट बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज बिटवीन द नेटिव्स एंड द माइग्रेंट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. ये जो इंसर्जेंसी है हमें किस पॉइंट, किस एस्पेक्ट्स में दिखाई देती है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट्स के बीच में, एज वेल एज बिटवीन नेटिव्स एज वेल एज माइग्रेंट्स, इनके बीच में पॉलिटिकल अनरेस्ट दिखाई देती है. और इस ये जो इंसर्जेंसी है इसका डिपिक्शन हमें Mamang Dai के वर्क में देखने को मिलता है. Mamang Dai इज एन इंडियन पोएट, नॉवेलिस्ट एंड जर्नलिस्ट बेस्ड इन ईटानगर अरुणाचल प्रदेश. सी रिसीव साहित्य अकादमी अवार्ड इन 2017 फॉर हर नॉवेल द ब्लैक हिल. Mamang Dai एक इंडियन पोएट है जैसे आपको पहले ही बताया, एज वेल एज सी हैज़ रिटन मेनी नॉवेल्स आल्सो. उन्होंने जर्नलिस्ट में भी काम किया है, बहुत सारे रेडियोज पे भी उन्होंने प्रोग्राम्स उनके प्रेजेंट किए हैं और बहुत सारे वर्क्स भी उन्होंने, आर्टिकल्स भी लिखे हैं. तो एक IAS रिटायर्ड ऑफिसर है Mamang Dai और सिविल सर्वेंट थी. तो उनके जो एक्सपीरियंसेस है और थ्रू आउट देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ ट्राइबल लाइफ ऑल्सो सी हैज़ डिपिक्टेड इन हर नॉवेल एज वेल एज इन हर वर्क्स. उनको उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए साहित्य अकेदमी अवार्ड मिला है 2017 में. जिस वर्क ले मिला है उसका नाम है द ब्लैक हिल. और सी हैज़ ऑल्सो रिसीव्ड पद्मश्री इन 2011 फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इनको साहित्य अकादमी अवार्ड के साथ साथ भी पद्मश्री अवार्ड भी मिला है जो 2011 में मिला है उनको. और इनके एक वर्क का कलेक्शन ऑफ द पोएम्स का नाम भी है द रिवर पोएम्स. और जो हम अभी स्टडी करने वाली जो पोएम है ये भी रिवर पोएम इस कलेक्शन से ली गई है. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट आवर पोएम. So small towns and the river by Mamang Dai talks about life and death by using the symbols of the small towns and the river. ये जो poem हम अभी study करने वाले हैं
इसका बेसिक सिंबल जो है वो लाइफ एंड डेथ के ऊपर है, और जो हमने पहले थोड़ा सा डिस्क्राइब किया या बैकग्राउंड देखा उनके नॉर्थ ईस्ट रीजन में, कि जो इंसर्जेंसी होती है उसका भी जो इम्पैक्ट है इस पोएम में भी हमें देखने को मिलेगा। सो नेचर एज वेल एज ये जो पॉलिटिकल टेंशंस है और लाइफ ऑफ डेथ का जो सिंबल है, इनका पूरा कॉम्बिनेशन इस पोएम में हमें स्टडी करने के लिए मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ आवर पोएम। दिस इज द फर्स्ट स्टांज ऑफ दिस पोएम। स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ। माई होम टाउन लाइज कामली अमिड्स द ट्रीज। इट इज ऑलवेज द सेम इन समर और विंटर, और विद द डस्ट फ्लाइंग और द वाइन होलिंग डाउन द गॉर्ज। In the first town, Mamangdai is describing that whenever see that small towns, she always remind of death. Why? What is the reason? जैसे हमने देखा कि जब भी वो उसको टाउन को देखती है उसको डेथ की याद आती है, क्योंकि उन्होंने उनके बचपन में ये सारे इंसर्जेंसी के जो प्रॉब्लम्स थे या जो भी सिचुएशन थी वो अपने आंखों से देखी थी, एक्सपीरियंस की थी। तो ऑब्वियस उनके लिटरेचर में या वर्क में हमें ये जो इम्पैक्ट है वो भी देखने को मिलता है। दैट्स वाई सी इज सेइंग दैट सी ऑलवेज रिमाइंड द डेथ वेन एवर सी द स्मॉल टाउन। माई होम टाउन इज लाइज कामली अमिडस्ट द ट्रीज। अभी वो अपने टाउन के बारे में भी बता रही है, उनका जो टाउन है और उनका जो घर है वो किधर बिठा है या किधर बसा हुआ है, कि बिटवीन द ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज है, नेचर है, उनके बीच में इनका टाउन बसा, और नेचुरल ब्यूटी जो है उन्होंने उस वक्त भी एक्सपीरियंस की थी। तो वो अभी वो इस पोएम में फर्स्ट स्टैंजा में डिस्क्राइब कर रही है। इट इज ऑलवेज द सेम, जो भी एटमोसफियर है थ्रू आउट द ईयर ऑलवेज सेम, समर सीजन हो, विंटर सीजन हो या रेनी सीजन हो, द एटमोसफियर इज ऑलवेज सेम इन द समर और विंटर विद द डस्ट फ्लाइंग। जो डस्ट है वो ऑलवेज फ्लो होती है। जैसे आपको भी मालूम है कि जोर की जो हवा के झोंके आते हैं या हवा बहती है तो उसके साथ डस्ट भी उड़ती है, और वो डस्ट कहाँ जाती है, और द विंड रोलिंग डाउन द गोर्ज, ये उड़ते उड़ते माउंटेन्स के टॉप पे, ट्रीज पे, एज वेल एज इधर। गोर्ज का मतलब है वैली, और दो वैली के बीच में एक छोटा सा स्ट्रीम भी उधर बहता है, उसके ऊपर भी ये जो जोर से हवा बहने की वजह से जो विंड होता है उसमें जो डस्ट होती है वो भी उधर बैठती है। ऐसा इन्होंने फर्स्ट स्टैंजा में डिस्क्रिप्शन किया है। वी विल सी द एनालिसिस ऑफ फर्स्ट स्टैंजा हियर। द पोएम स्टार्ट्स विद द पोएट्स सैड मेमोरी। द पोएट सेज द स्मॉल टाउन्स रिमाइंड हर ऑफ नथिंग अदर देन डेथ। ये जो पोएम है जो पोएट ने इधर स्टार्ट की है वो सैड मेमोरी से स्टार्ट होती है। वो क्या बोलती है कि उनका जो स्मॉल टाउन है उनको डेथ की याद दिला देता है। सी लिव्स इन अ टाउन अमेडस्ट द ट्रीज बट द लाइफ देर इज द सेम। नेचर के बीच में उनका जो होम टाउन है वो बसा हुआ है, फिर भी जो एटमोसफियर है वो थ्रू आउट द ईयर सेम है। अकॉर्डिंग टू द पोएट लिविंग इन द टाउन इज अ मोनोटोनस जर्नी दैट एंड्स एट द हैंड्स ऑफ डेथ। ये जो सेंटेंस इधर दिया है फिर से हमें इंसर्जेंसी की जो सिचुएशन है उसकी याद दिला देता है, क्योंकि जो डेथ है वो उधर टेम्प्ररी है और कभी भी आ सकती है। वो मोनोटोनस जर्नी है उनका लाइफ जो है, आज जो हम जिंदा है तो कल उनके साथ क्या होगा है उनको भी पता नहीं होता, बिकॉज ऑफ दिस ऑल द पॉलिटिकल टेंशंस। दैट्स वाई सी इज सेइंग दैट द मोनोटोनस जर्नी दैट एंड्स एट द हैंड्स ऑफ डेथ। So we will see the second stanza. Just the other day, someone died. In the dreadful silence, we wept, looking at the sad wreath of two roses. Life and death, only the rituals are permanent. What Mamangdai is saying in the second stanza, just the other day, someone died. एक दूसरे दिन में ही किसी ना किसी की डेथ हो जाती है, बिकॉज ऑफ कोर्स इंसर्जेंसी। तो इन द ड्रेडफुल साइलेंस वी वेप्ट। तो उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो भी डियर वंस या रिलेटिव्स उन्होंने खोए हैं उनके टाउन में, जिनकी भी डेथ हो गई है, उनके लिए उनके माइंड में हर्ट में पैक होता है। जब उनकी डेथ होती है, हमारे डियर वंस की जब डेथ होती है, तो वो साइलेंटली रोते हैं, लुकिंग एट द सैड रीथ ऑफ ट्यूबरोजेस।
ट्यूबरोजेस एक फ्लावर है, उसका नाम है रजनीगंधा, आपने भी देखा होगा। ये जो रजनीगंधा की जो फ्लावर्स है, ट्यूबरोजेस है, एक रिंग में एक्चुअली वो वोवेन किए जाते हैं, और उनकी जो मालाएं हैं वो डेथ बॉडी के ऊपर चढ़ाई जाती है। लाइफ एंड डेथ, ओनली द रिचुअल्स आर परमानेंट। और जो लाइफ एंड डेथ का जो ये सर्कल है या साइकिल है, ये क्या है, ये टेम्पररी है, लेकिन जो रिचुअल्स है वो परमानेंट है। सो वी विल सी द एनालिसिस ऑफ द सेकेंड स्टैंजा हियर। द सेकेंड स्टैंजा डिस्क्राइब्स द डेथ ऑफ एन इनहेबिटेंट ऑन द नेक्स्ट डे। एक उनमें उनके जो होम टाउन में रहने वाली व्यक्ति है, उसका दूसरे ही एक दूसरे दिन में ही डेथ हो जाती है। किसी न किसी की डेथ जो होती है वो उनके लिए कॉमन है। इट इनडायरेक्टली टेल्स अबाउट द वायलेंट क्लैशेस बिटवीन द ईयर सर्जन्स एंड द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी, लीडिंग टू मैसिव ब्लडशेड। ये जैसे आपको बताया, ये किसका इम्पैक्ट है, बिकॉज ऑफ द इंसर्जेंसी, इसकी वजह से मैसिव ब्लडशेड होता है। देर वॉज ड्रेडफुल साइलेंस आफ्टर डेथ, और उसके बाद जो शांति उधर हमें दिखाई देती है वो ड्रेडफुल रहती है, भयानक शांति हमें दिखाई देती है उस सिचुएशन में। द न्यूज़ मेक्स द पोएट सैड एंड द सी मॉस द लॉस। ये जो न्यूज़ है किसी के डेथ की, उनको बहुत ही सैड बना देती है, और उनके डेथ के ऊपर ये जो लॉस हुआ है उस व्यक्ति का, जो भी डियर वंस होते हैं उन इधर जो ममंगदाई है वो मौन करती है। आफ्टर सीइंग द सैड रीथ लाइंग ऑन द डेड पर्सन्स बॉसम, सम हाउ रिमाइंड्स द पोएट ऑफ इमोर्टिलिटी। और जब भी किसी डेड पर्सन के ऊपर जो ट्यूबरोजेस की मालाएं वो देखती है, तो उनको भी ये एहसास होता है कि हमें भी एक दिन इसी रास्ते से गुजरना है। हमारे जो लाइफ की जो इमोर्टेलिटी है वो उनको इधर दिखाई देती है। एज वेल एज हियर द पोएट प्रेजेंट्स द ट्यूबरोजेस एज अ मैसेंजर ऑफ डेथ। ट्यूबरोजेस की जो मालाएं है या रोज जो फ्लावर है, वो किसकी याद दिलाता है, डेथ की, वो मैसेंजर है डेथ की। सो हियर द रिपीटेशन ऑफ लाइफ एंड डेथ इन दिस स्टांजा रिफर्स द साइकिल ऑफ कंटिन्यूस साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। दिस टू थिंग्स आर टेम्पररी। लाइफ एंड डेथ ए टेम्पररी है, अकॉर्डिंग टू द पोएट ओनली द रिचुअल्स आर परमानेंट। और उनके अनुसार परमानेंट क्या है, खाली रिचुअल्स है, जैसे कि वो जो ट्यूबरोजेस की मालाएं डेड बॉडी के ऊपर उधर रखी जाती है, उनके लिए मौन किया जाता है, साइलेंटली जो डियर वंस है वो रोते हैं, जो भी डियर वंस उन्होंने खोया है। सो ये सब रिचुअल्स जो है वो परमानेंट है, लेकिन टेम्पररी क्या है, लाइफ एंड डेथ है। हियर द पोएट टर्न्स द मैक्सिम, नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट बर्थ एंड डेथ। अपसाइड डाउन द लास्ट टू लाइन्स रिफ्लेक्ट द पोएट्स डिसिल्यूजनमेंट अबाउट लाइफ एंड सीइंग मैनी डेथ्स। ये जो उनका दुख भरा जो मूड है या सैड मूड है, उनकी जो डिसिल्यूजनमेंट है वो हमें लास्ट लाइन में दिखाई देती है। लाइफ एंड डेथ, इनका जो रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच इन्होंने इस पोएम में इधर यूज किया है, उसका भी एक सैड नोट हमें इधर मिलती है। सो वी विल सी द थर्ड स्टांजा। द रिवर हैज़ अ सोल इन द समर, इट कट्स थ्रू द लैंड लाइक अ टोरेंट ऑफ ग्रीव। समटाइम्स आई थिंक इट होल्ड्स इट्स ब्रीथ सीकिंग अ लैंड ऑफ फिश एंड स्टार्स। हियर द पोएट इज डिस्क्राइबिंग दैट द रिवर हैज़ अ सोल। इन दिस स्टांजा द पोएट हैज़ यूज पर्सोनिफिकेशन, बिकॉज सी सेइंग दैट द क्वालिटीज ऑफ सोल या अलाइवनेस इज गिवन टू द रिवर। बट बोल रही है कि जो रिवर है उसको भी सोल है, उसको भी आत्मा है। इन द समर इट कट्स थ्रू द लैंड। आपको भी मालूम है कि समर सीजन में जो रिवर का कोर्स होता है वो बहुत ही ड्राइड वन होता है, पानी बहुत सूख जाता है, तो उसकी वजह से जो दरारें हमें दिखती है, इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि जो भी रिवर का कोर्स है वो पूरा ड्राई हो चुका है। तो वो ग्रीव से जो आक्रोश है या वो पेनफुल जो सिचुएशन है, डेस्परेशन है, वो उधर रिवर दिखा रही है, क्योंकि वो जिंदा है ऐसे इधर पर्सोनिफाइज किया है पोएट ने। तो क्या बोलते हैं, लाइक अ टोरेंट ऑफ ग्रीव, समटाइम्स आई थिंक इट होल्ड्स इट्स ब्रीथ। लेकिन वो ड्राई हो चुकी है, लेकिन उसके भी बीच में थोड़ा ना थोड़ा जिंदापन है, वो भी अलाइव है, उसने भी अपनी सांसें रोक के रखी है। किस लिए, क्योंकि उसको भी लगता है कि शायद
मैं फिर से जो मेरा ब्यूटीफुल साइट है जिसमें बहुत सारे फिश रहेंगे, बहुत सारे स्टार के रिफ्लेक्शन मेरे फ्लोर में रहेंगे, वो मुझे भी कभी ना कभी देखने को मिलेंगे। मतलब पहले दो लाइंस में जो निगेटिव इधर एटमॉस्फेयर या पिक्चर दिया है कि जो रिवर का जो कोर्स है वो ड्राइड वन है, फिर भी वो होपफुल है। किस लिए? एक ब्यूटीफुल नेचर के लिए, क्योंकि तो फिर से बारिश होने के बाद फिर से रिवर क्या होगी, फुल फोर्स से बह सकेगी। उसमें भी बहुत सारे फिश जो है वो उनके लाइव जो है वो देख पाएगी, एज वेल एज जो स्टार्स है उनका जो रिफ्लेक्शन है, फिर से ब्यूटीफुल पिक्चर वो देखने के लिए इधर वेट कर रही है। इधर हम एक और भी मीनिंग निकाल सकते हैं कि अभी जो हमारी डेवलपमेंट हो रही है हमारे एनवायरनमेंट में, या हम जो सिटी में जो डेवलपमेंट हो रही है, तो रिवर में बहुत सारी गंदगी भी छाई हुई है, बहुत सारा जो कचरा है वो रिवर में स्टोर होते जाता है। इसके लिए ब्लॉक हो गई वो रिवर, इसलिए उधर रेफरेंस दिया है कि आई थिंक इट होल्ड्स इट्स ब्रेथ, उन्होंने अपनी सांसें रोक के रखी है, ब्लॉक हो गई है रिवर। सो सी इज ऑल्सो वेटिंग टू क्लियर दैट पाथ, हर पाथ सी इज वेटिंग फॉर द कोर्स विल बी द क्लीन एंड क्लियर। उसके लिए उसने अपनी सांसें जो है रिवर ने रोक के रखी है। वी विल सी द एनालिसिस ऑफ दिस थर्ड स्टांजा। इन द थर्ड स्टांजा ऑफ स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर बाय मामंगदाई, द पोएट प्रेजेंट्स अ कॉन्ट्रास्ट। जैसे आपको पहले बताया कि विरोधाभास कॉन्ट्रास्ट पिक्चर इन्होंने इस स्टांजा में डिस्क्राइब किया गया है। वेर एज इन द प्रीवियस सेक्शन सी डिस्कस्ड मॉर्टेलिटी, इन दिस सेक्शन सी हाईलाइट द परमानेंस ऑफ द रिवर। पहले पार्ट में या पहले दो लाइन में उन्होंने मॉर्टेलिटी डिस्क्राइब की गई है, लेकिन बाद में उन्होंने जो परमानेंस ऑफ रिवर है वो डिस्क्राइब किया गया है, क्योंकि रिवर का जो वाटर है वो कभी भी खत्म नहीं होता। सी सेज द रिवर हैज़ अ सोल। वो क्या बोलती है कि रिवर को भी एक सोल है। इन समर इट फ्लोज अक्रॉस लैंड्स, हियर सी यूज इज द मेटाफर ऑफ टोरेंट ऑफ ग्रीफ टू पोर्ट्रे द रिवर्स कोर्स इन द ड्राई सीजन। इधर इन दिस स्टांजा द पोएट हैज यूज्ड मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच, सी हैज यूज्ड द वर्ड टोरेंट ऑफ ग्रीफ, है ना। टोरेंट ऑफ ग्रीफ मतलब पेन और डेस्परेशन, जैसे हमने आप पहले ही भी देखा। हियर द पोएट इज ऑल्सो रेफरिंग द वाटर साइकिल। जैसे हमने साइंस में भी पहले स्टडी किया है हमारे स्कूल लेवल में कि जो पानी है वो कभी भी खत्म नहीं होता, जैसे कि रिवर का जो पानी है वो इवेपोरेट होती, या समर सीजन में सनराइज की वजह से वो इवेपोरेशन होता है, वो जो पानी है इवेपोरेट होके क्या होता है, क्लाउड्स में स्टोर होता है, और बाद में रेनी सीजन में वो फिर से बरसता है। ये जो साइकिल है रिवर की या वाटर की वो परमानेंट वन है। सो वाटर जो है वो परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है। वैसे भी जो रिवर है वो इमॉर्टल है, ऐसा मामंगदाई इस पोएम में हमें बता रही है। मोर ओवर द पोएट पर्सोनिफाइज द रिवर टू इन्वेस्ट इट विद द आइडियाज ऑफ होल्डिंग द ब्रेथ एंड सीकिंग समथिंग। उसने हमारी रिवर ने उसकी सांसें जो है वो क्यों थम के रखी है या क्यों रोक के रखी है, बिकॉज सी इज सीकिंग समथिंग। वॉट इज दैट? सी इज वेटिंग फॉर ब्यूटिफुल फिश एंड द स्टार्स रिफ्लेक्शन इन हर कोर्स ऑफ द वॉटर। सी थिंक्स एज इफ द रिवर इज एन एक्सप्लोरर हु सीक्स द लैंड ऑफ फिश एंड स्टार्स। वो ब्यूटिफुल पिक्चर देखने के लिए फिर से उसने अपनी सांसें जो है वो रोकी रखी है। दिस इमेजरी रिफ्लेक्ट्स द कोर्स ऑफ द रिवर वाटर एंड इट्स फ्लो। क्या हमें इमेजरी इधर यूज की है मामंगदाई ने, ये जो ब्यूटिफुल कोर्स है रिवर का वो फिर से वो देखने के लिए बहुत वेट कर रही है, इगरली वेट कर रही है, क्योंकि उसको भी मालूम है उसका जो इमॉर्टल नेचर है, तो वो फिर से महसूस करने के लिए उसने अपनी सांसें रोक के रखी है। स्टूडेंट्स, दिस पोएम इज वेरी लॉन्ग, दैट्स वाई वी हैव डिवाइडेड दिस पोएम इंटू टू पार्ट्स। इन दिस वे वी हैव सीन द फर्स्ट पार्ट, रिमेनिंग पार्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट। सो टिल देन, थैंक यू।